हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग को। यूट्यूब शॉर्ट पर नया अपडेट आया है, बधाई हो। यूट्यूब शॉर्ट पर आज तक आप जब भी अपलोड कर देते थे शॉर्ट को, तो वो रैंडमली सिलेक्ट कर लेता था थंबनेल को। यूट्यूब शॉर्ट पर थंबनेल का ऑप्शन नहीं हुआ करता था। आइए, एक नया ऑप्शन आया है यूट्यूब में अपडेट, जिसमें आप शॉर्ट पर भी थंबनेल डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने शॉर्ट अभी अपलोड किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने फ्रेम देख लिया। ओके, फ्रेम फाइन है। प्रोसेस जरा, अगर मैं म्यूज़िक ऐड करना चाहता हूँ, या मैं इसका म्यूज़िक ऐड कर सकता हूँ, मुझे नहीं करना है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, डन है। मैं आगे बढ़ता हूँ, उसमें नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब आप इसमें साइड में यहाँ पे जो एरो का निशान देख रहे हैं फ्रेम पिक्चर पे, उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से जो फ्रेम आप सिलेक्ट कर लेंगे, वो फ्रेम आपका शॉर्ट का थंबनेल बन जाएगा। जैसे कि मैंने ये फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है, फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके किया। ठीक है, अब इसके बाद जो मुझे टाइटल डालना है, मैं टाइटल ऐड कर दूंगा उसमें। टाइटल ऐड किया, उसमें जो मुझे हैशटैग यूज़ करना है, मैं हैशटैग लगा दूंगा। हैशटैग लगाने के बाद मैं अपना ऑडियंस सेलेक्ट कर लूँगा, किस ऑडियंस को मैं शो करना चाहता हूँ। देन अपलोड। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है शॉर्ट को अपलोड करने की, पर आज तक आप इसमें थंबनेल नहीं लगा सकते थे। ये फर्स्ट टाइम अभी अपडेट आया है। इस अपडेट के अंदर आप शॉर्ट में भी थंबनेल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं जब उसको ओपन करूँगा, तो जो फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया था, वही फ्रेम मुझे यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर दिखेगा। जब भी किसी व्यूअर के सामने मेरा पेज जाएगा, या ये शॉर्ट फीड में भी जाएगा मेरा शॉर्ट, तो जो फर्स्ट फ्रेम होगा वो वही होगा जो कि मैं शो करना चाहता हूँ। ये देखिए, शॉर्ट पे गया, यहाँ पे मेरा शॉर्ट भी आने वाला है। ये देखिए, यही वाला फ्रेम मैंने आपके सामने सेलेक्ट किया था, और यही फ्रेम वहाँ पे आ गया है। इसी टाइप की और भी अपडेट्स मैं आपको शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे साथ बने।